लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म की बहस जारी है। इस बहस में अभी कंगना रनौत काफी अग्रेसिव होकर सामने आई हैं और उन्होंने सीधा नाम लेकर कई लोगों पर आरोप लगाए हैं। वहीं एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने कंगना को जवाब दिए हैं, जिसके बाद से दोनों एक्ट्रेस सामने सामने आ गई हैं। इतना ही नहीं, दोनों की ट्विटर वॉर के बाद अब सेलेब्स भी दो धड़े में भंग गए हैं और कुछ तापसी का तो कुछ कंगना का सपोर्ट कर रहे हैं। इसी बीच कुछ लोग दोनों के फिल्मी करियर और फिल्मों के प्रदर्शन को लेकर एक दूसरे की तुलना कर रहे हैं। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आधार पर किस एक्ट्रेस की फिल्म ने ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। हम आपको दोनों एक्ट्रेस की आखिरी पांच फिल्मों के कलेक्शन के बारे में बता रहे हैं, जिससे आप खुद इस बात का फैसला कर सकते हैं कि किस एक्ट्रेस की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल किया। तापसी पन्नू दला 88 करोड़ रुपए, गेम ओवर 4.69 करोड़ रुपए, मिशन मंगल 2.98 करोड़ रुपए, सांड की आंख 23.40 करोड़ रुपए, थप्पड़ 33.06 करोड़ रुपए, टोटल कलेक्शन 352.13 करोड़ रुपए, कंगना रनौत रंगून 20.68 करोड़ रुपए, सिमरन 17.26 करोड़ रुपए, मणिकर्णिका 92.19 करोड़ रुपए, जजमेंटल है क्या 33.11 करोड़ रुपए, पंगा 28.92 करोड़ रुपए, टोटल कलेक्शन 192.16 करोड़ रुपए। जूम एंटरटेनमेंट की रिपोर्ट के अनुसार दोनों एक्ट्रेस की अपकमिंग फिल्म की बात करें तो तापसी पन्नू जल्द ही रश्मि रॉकेट, हसीन दिलरुबा, शाबाश मिठू और लूप लपेटा में नजर आने वाली हैं। इनके अलावा कंगना रनौत थलाइवी, धाकड़ और तेजस आदि में नजर आने वाली है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से दोनों एक दूसरे पर पुराने आर्टिकल और अन्य तथ्यों के आधार पर हमले कर रहे हैं और कई सेलेब्स भी इसमें तापसी और कंगना की तरफ से अपनी बात रख रहे हैं।